प्रेरणा कथा। पहला मौका पकड़िए। एक बार एक गांव में एक नौजवान रहता था। वो गांव के ही एक किसान की सुंदर बेटी से विवाह करना चाहता था। एक दिन वो नौजवान लड़की के पिता से विवाह की स्वीकृति लेने के लिए गया। किसान ने उस नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, परंतु तुमको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। नौजवान ने कहा, जी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। किसान ने कहा, बेटा तुम बाहर खेत में जाओ और वहां खड़े हो जाओ, मैं 3 बैल छोड़ूंगा, तुमको उन 3 बैलों में से किसी एक बैल की पूंछ पकड़नी होगी। अगर तुम किसी एक बैल की पूंछ पकड़ लोगे तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकोगे। नौजवान जाकर खेत में खड़ा हो गया और बैलों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। किसान ने बाड़े में से पहले बैल को खोल दिया। वो बहुत ही बड़ा बैल था। वो दौड़ता हुआ खेत की तरफ आया। नौजवान ने सोचा कि वो सबसे बड़ा बैल था और खतरनाक था, इसलिए उसने उस बैल को जाने दिया और अगले बैल की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में किसान ने दूसरे बैल को छोड़ दिया। नौजवान तो हैरान हो गया, क्योंकि ये बैल तो पहले वाले बैल से भी बड़ा था। उसने इस बैल को भी जाने दिया और तीसरे बैल की प्रतीक्षा करने लगा। तीसरा बैल छोटा सा था और उसको देखकर नौजवान खुश हुआ और उसके पास आने का इंतजार करने लगा, ताकि वो उसकी पूंछ पकड़ सके। नौजवान सचेत होकर उस बैल के पास आने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही बैल पास आया, वो नौजवान फुर्ती से उस बैल के पीछे आ गया, परंतु वो हैरान हो गया, क्योंकि उस बैल को तो पूंछ ही नहीं थी। मित्रों, मौके तो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, परंतु लोग और बेहतर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, ये ठीक नहीं होता। आपको जो भी पहला मौका मिले उसको पकड़ लीजिए, ताकि बाद में अफसोस ना हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।